नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। क्या आज 18 साल का युवा प्रज्ञानंद बनेगा शतरंज का चैंपियन? बिल्कुल, शतरंज का जो खेल है उसकी बिसात बिक चुकी है और प्रज्ञानंद का मुकाबला एक ऐसे खिलाड़ी से है जो दुनिया का नंबर एक प्लेयर है। कार्लसन इस समय दुनिया के नंबर एक चेस प्लेयर हैं और प्रज्ञानंद का मुकाबला जो है आज उनके साथ होने वाला है, और यदि प्रज्ञानंद यहाँ जीतते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। सिर्फ 18 साल की उम्र में शतरंज की बिसात पर अपने दिग्गजों को शिकस्त देने के बाद अब अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार भारत के शतरंज के युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में 32 वर्षीय और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ फाइनल में भिड़ेंगे, जहां आज चैंपियन का फैसला टाई ब्रेक मुकाबले से होगा। दो मुकाबले ड्रॉ होने के बाद अब आपको बता दें कि आखिर टाई ब्रेक मुकाबला क्या है और इसकी पूरी गणित क्या होती है। देखिए, चैंपियन का फैसला जो है पहले टाई ब्रेक के हिसाब से किया जाएगा, और टाई ब्रेक की बात करें तो ये एक रैपिड गेम माना जाता है जिसमें 15-15 मिनट के 4 गेम खेले जाएंगे। फिर इसमें से हर गेम जीतने पर खिलाड़ी को एक एक अंक बराबरी के उसके आधा अंक दिया जाएगा। यदि टाई ब्रेक में भी नतीजा नहीं निकलता है तो फिर ब्लिट्स से परिणाम निकाला जाएगा। देखिए, काफ़ी दिलचस्प जो है ये जो मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, वो पहुंच चुका है। काफ़ी कुछ गणित है इसके अंदर कि आखिर अगर मैच ड्रॉ होता है या फिर किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो अलग अलग जो गणित है उसके हिसाब से जो चैंपियन का है फैसला किया जाएगा। अब ब्लिट्स क्या होता है इसको लेकर बात करेंगे। देखिए, ब्लिट्स में 3 मिनट का एक गेम होता है जिसमें चेक एंड मेट करना जरूरी होता है। पहला गेम जीतने वाले खिलाड़ी को विनर घोषित कर दिया जाता है। देखिए, ब्लिट्स के अंदर सीधा सीधा है कि इसमें गेम खेला जाएगा और चेक मेट का ये गेम रहेगा, और अगर जो भी खिलाड़ी पहला मुकाबला जीता है तो फिर उसे विनर बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बीच चेस वर्ल्ड कप 2003 के जो खिताबी मुकाबले में जो पिछला मुकाबला जो हुआ था उसमें 35 चालों के बाद भी यह मुकाबला ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। ड्रॉ के बाद जो अलग अलग चाहे वो ब्लिट्स हो या फिर जो भी तकनीकी चेस के अंदर होती है वो अलग अलग आज जो फाइनल मुकाबला है उसके अंदर आजमाई जाएगी, जिसके बाद चेस वर्ल्ड कप 2030 का फाइनल का जो चैंपियन होगा उसकी घोषणा की जाएगी। देखिए, इससे पहले जो दूसरे दौर की बाजी में प्रज्ञानंद कार्लसन के साथ खेले थे, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार चालों से 30 चालों के बाद ही उन्होंने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी को ड्रॉ खेलने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि जो ये खिताबी मुकाबला है ये अजरबैजान के बाकू में खेला जा रहा है। पूरे भारतवर्ष की, पूरे देश की नज़र, पूरे विश्व की नज़र इस पर बनी हुई है। खासकर 18 साल के जो प्रज्ञानंद हैं, देश के लिए एक शानदार इतिहास रचने का जो है उनके पास एक सुनहरा मौका है। वे 21 साल बाद भारत को फिर से वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने की जो तैयारी है वो उसमें लगे हुए हैं, और पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि यहाँ प्रज्ञानंद जरूर चैंपियन बनेंगे। इससे पहले भारत ने आखिरी बार साल 2002 में शतरंज विश्व कप में अपना जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया था, और यह कारनामा करने वाले थे दुनिया के नंबर एक प्लेयर, उस समय के चैंपियन विश्वनाथन आनंद। ये एक महान खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन ने भी इसे लेकर कहा है कि निश्चित तौर पर उनको पूरी उम्मीद है, भारतीय जो नई पीढ़ी अब शतरंज के अंदर आ रही है उनसे उनको काफ़ी उम्मीद है, और प्रज्ञानंद के लिए उन्होंने कहा भी है कि निश्चित तौर पर वो जरूर यहाँ पर चैंपियन बनेंगे, क्योंकि फाइनल में पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल मुकाबले में रोमांचक जीत हासिल की थी। उन्होंने टाई ब्रेक में अमेरिका के फाबियानो कारुआनो को 5.3 और 2.5 से मात दी थी। दिलचस्प बात यह है कि कारुआना दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी हैं, वही प्रज्ञानंद ने 2 मैचों की क्लासिकल सीरीज में 1-1 से बराबरी पर यह मुकाबला जो है समाप्त किया था। इसके बाद अमेरिकी ग्रैंड मास्टर को इस मुकाबले में सेमीफाइनल में उन्होंने पछाड़ा। आपको यह भी बता दें कि प्रज्ञानंद वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने कैंडिडेट
टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। महज एक छोटी सी उम्र में इस तरह का कारनामा करने वाले देश के प्रज्ञानंद पर निश्चित तौर पर सबको गर्व होगा। प्रज्ञानंद के कैरियर की बात यहां पर करें तो उन्होंने अब तक कुल 1789 मैच खेले हैं, जिसमें से उनको 894 में जीत दर्ज की गई, जीत मिली है। प्रज्ञानंद के 504 जो मुकाबले हैं वो यहां पर ड्रॉ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 बार के जो विश्व चैंपियन है कार्लसन कुल 1820 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 785 गेम में जो है उनको जीत हासिल हुई है, जबकि 836 जो मुकाबले हैं उनके वो ड्रॉ रहे, जबकि 199 में उनको हार मिली है। देखिए दोनों तरफ जो है पलड़ा वो लगभग लगभग यहाँ पर भारी है। पूरे देश को उम्मीद है कि प्रज्ञानंद जरूर ये मुकाबला यहाँ पर जीतेंगे। जिस तरह से इसरो ने बीते दिन एक इतिहास कायम किया है, तो भारत के लिए एक और गर्व का पल यहाँ पर आज शाम को होगा। वहीं राष्ट्रीय कोच ग्रैंड मास्टर एम श्याम सुंदर ने प्रज्ञानंद के बारे में कहा है कि दबाव की स्थिति में वे काफी सहज यहाँ पर नजर आते हैं, प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को वो तुरंत भाव लेते हैं। इनमें ये कुछ खूबियां हैं जिसके कारण जो छोटी सी उम्र में है उन्होंने एक नया इतिहास है वो कायम किया है। उनके कोच ने कहा कि उनकी सबसे जो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है कि वे एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिलाफ भी मुश्किल स्थिति में बचाव करने की उनके अंदर क्षमता है। उनकी गणना करने की जो क्षमता है वो काफी उत्कृष्ट है और उनका आत्मविश्वास भी काफी जबरदस्त है। देखिए अगर आज ये मुकाबला जो है जो खेला जाएगा, अगर उसमें प्रज्ञानंद जीतते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में एक छोटे उम्र का खिलाड़ी है वो इतिहास के पन्नों में अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल द नगरी न्यूज़ पे इतना ही। देश दुनिया की खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।